हम एक ऐसे एरिया में जा रहे जहाँ की हर एक आदमी जाना चाहता है, पुणे का रेड लाइट एरिया में आपको दिखाता हूँ आज, चलो मेरे साथ। वो भी मार्केट दिखा सकता हूँ मैं आपको। और हमने इधर से गाड़ी क्यों नहीं लाई, तो इनकी वजह से भाई, ये शिकार ढूंढने में बिजी रहते हैं, हर टाइम शिकार ढूंढो, पकड़ो लोगों को। अभी जो मोबाइल मार्केट की लाइन है वो लाइन चालू हो चुकी है, मैं आपको अंदर जाके मोबाइल मार्केट दिखाता हूँ पूरा कैसा है। सो गाइस, ये है पुणे की तुलसीबाग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये हर बार की तरह आज है मंगलवार और आज मैं बहुत बीमार हूँ, लिटरली मैं बताना चाहता हूँ मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी मैं इतनी जोश के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ, इस वजह से आप जोश के साथ लाइक कीजिए। तो मैं आज ऐसे ही जा रहा हूँ पूना घूमने, तो मेरे साथ आपको भी पूना घुमाऊँगा आज, तो बहुत मज़े करेंगे आप अपुन हम सब एक साथ। और हाँ, ये ब्लॉग मेरा एक बिहाइंड द सीन का ब्लॉग आने से पहले आने वाला है, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन जिसका वीडियो था वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, उसके बाद ही मेरा ब्लॉग आएगा। तो चलते हैं पहले मॉल के पार्किंग से बाहर। सो गाइस, हम डायरेक्टली डगड़ी शेड के पीछे वाली साइड आ चुके हैं, क्योंकि मेरे दोस्त को चश्मा बनाना है फिर से, क्योंकि उसका खराब हुआ था, तो पहले चश्मा बनाते हैं और फिर जाते हैं आगे आगे घूमने। तो गाइस, सीन इधर ये हुआ है क्योंकि वो लोग खाना खा रहे हैं, तो पहले मोबाइल ठीक करवाते और फिर से आते हैं यहाँ पे। और अभी सीन हुआ था, मैं जा रहा था और एक अंकल की गाड़ी डायरेक्ट मेरे ऊपर गिर गई, पर कुछ हुआ नहीं, उनकी गाड़ी उठाई, गाड़ी लगाई। और अभी जाते हैं हम दगड़ू शेड के पास और उधर से डायरेक्ट जाएंगे मोबाइल का एक पार्ट खराब हुआ है वो ठीक करने। तो यहाँ की भीड़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस, इधर ऐसी ही भीड़ रहती है, आज तो कम है, क्या पता ऑल डे होने के बावजूद कम होगी, क्योंकि आज है मंगलवार और उस वजह से आज मेरे को लग रहा है कि भीड़ कम है, पर इधर इतनी भीड़ रहती है हर बार, क्या ही बताऊँ। और इधर का स्पेशल सैंडविच तो हम बहुत बार खाने आते हैं, सुप्रीम सैंडविच, पर आज खाने का मूड नहीं है, तो चलते हैं दगड़ू शेड के पास। सो गाइस, दगड़ू शेड के पीछे एक ऐसी लाइन मिलेगी आपको जहाँ पे चश्मे, मतलब अपना जो ऑप्टिक रहता है उसका दुकान मिलेगा आपको, और कॉस्मेटिक के बहुत ज़्यादा दुकान मिलेंगे, तो यही दोनों दुकान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर है चश्मे का और इधर है फैशन का, और आगे की बिल्डिंग दिख रही है उसके साइड है दगड़ू शेड का मंदिर, तो सबसे पहले उधर जाके दर्शन लेते हैं अपन। मैं दिखाता हूँ आपको दगड़ू शेड की बिल्डिंग। सो गाइस, ये है दगड़ू शेड का मंदिर, और यहाँ पे शूट करना मना है, इस वजह से मैं आगे जाके शूट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हर बार की तरह भीड़ रहती है, आज तो सच में कम भीड़ है यार पूना में। तो गाइस, हम जो है दगड़ू शेड के मंदिर के सामने आ चुके हैं, और आपको अभी दगड़ू शेड की मूर्ति दिखाता हूँ, बहुत ही मुझे बहुत खुशी मिलती है उनकी जब मूर्ति देखता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो शायद वहाँ पे आरती चल रही है, अभी पूजा चल रही है, तो हम जा रहे हैं सबसे पहले मोबाइल का जो हमारा पार्ट खराब हुआ है वो बिठाने, तो उधर ही जाते हैं। मैं भी वो भी मार्केट दिखा सकता हूँ मैं आपको। और हमने इधर से गाड़ी क्यों नहीं लाई, तो इनकी वजह से भाई, ये शिकार ढूंढने में बिजी रहते हैं, हर टाइम शिकार ढूंढो, पकड़ो लोगों को। तो भाई, यहाँ के पुलिस वाले ऐसे आपकी कुछ ना कुछ गलती दिखाएंगे भाई, हेलमेट पहना है तो बोलेंगे मास्क नहीं पहना, कुछ ना कुछ गलती दिखाते ही रहते यहाँ पे। अभी जो मोबाइल मार्केट की लाइन है वो लाइन चालू हो चुकी है, मैं आपको अंदर जाके मोबाइल मार्केट दिखाता हूँ पूरा कैसा है, यहाँ से ही चालू हो गई है। तो ये बैक साइड है मोबाइल मार्केट की, आपको सब पूरा लाइन दिखा देता हूँ भाई। और ये है वो बिल्डिंग जो मैंने आपको मनीष मार्केट की बिल्डिंग दिखाई थी, सेम वैसे ही बिल्डिंग है। सो गाइस, ये है मोबाइल मार्केट की बिल्डिंग, इधर शूट करना मना है, इस वजह से मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो मैं सीधा आपको मिलता हूँ उधर जाके जिधर हमें डिस्प्ले ठीक करवाना है। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे भाई की दुकान पे, मतलब इधर मैं कितना भी कवर बहुत चीज़ें बिठाई है इधर भाई, 3-4 बार डिस्प्ले भी ठीक करवाया है, तो इधर जगह भी नहीं है, तो मिलता हूँ आपको बाद में।
तेरे को डायरेक्ट यूट्यूब पे लॉन्च करता अशोक, यूट्यूब पे लॉन्च करता तेरे को, करूँ क्या? चलेगा ना भाई? ये जो बंदा है ना मोबाइल का कवर व्यूअर अच्छा देता है, बहुत अच्छा बंदा है, पर साला टाइम ही नहीं देता हम लोग को, देखता ही नहीं हमारे तरफ, ऐसा बंदा ही है। अभी देखो हंस रहा है चुपके से, अभी उसको बोला मेरा मोबाइल खाली पहुँच के दे तो दे ही नहीं रहा, खुद के मोबाइल में देखने के लिए टाइम है इसको। कवर का काम हो चुका है, अभी जाते हैं यहाँ से। अभी किधर जाने का स्वप्निल भाई? अभी उसने क्या किया हमें भी नहीं पता, पर किया है कुछ तो काम, और यहाँ से जाते हैं भाई सबसे पहले बाहर। भाई हम एक ऐसे एरिया में जा रहे जाके हर एक आदमी जाना चाहता है, पुणे का रेड लाइट एरिया में आपको दिखाता हूँ आज, चलो मेरे साथ। सो भाई पुणे के रेड लाइट एरिया का जो रोड है वो यहाँ से जाता है वो सीधा, और हमें जाना है इधर। सो भाई ये जो रोड दिख रहा है इधर से अंदर जाने के लिए रोड है वहाँ पे, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और भाई मेरा ब्लॉग में मैं ऐसी कुछ चीज़ें प्रमोट भी नहीं करना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ अभी चश्मा बनाने भाई का। गाइज आ चुके हैं चश्मे की दुकान पे और बनाते हैं यहाँ पे चश्मे, और मैं भी अलग अलग चश्मे ट्राई करूँगा भाई यहाँ पे। Feeling I could tear you apart, or I could go heal him. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. So guys, अभी just पानी पूरी खाने के बाद हम लोग घूमेंगे अभी तुलसी बाग। यहाँ पे लड़कियों को शॉपिंग के लिए लाया ना तो आपकी जेब वैसे ही खाली होने वाली है, मतलब शॉपिंग यहाँ की परवड़ती है हमारे जेब को, पर घूमना नहीं परवड़ता, बहुत घुमाती है यहाँ पे लड़कियाँ यार। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी तुलसी बाग, आप देख ही रहे हो वैसे तुलसी बाग क्या है कैसी है, पर अभी अंदर भी बहुत घूमेंगे, चलते हैं। दिस सेम गई थी। तो आप तुलसी बाग में आए और ये वाली आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या खाई, तो अभी ये वाली आइसक्रीम हम भी लेंगे अपन यहाँ से। सो गाइस हमारी आइसक्रीम जो है वो आ चुकी है, हमारी आइसक्रीम जो है वो आ चुकी है, और तुलसी बाग के बाहर रुक के हम ये खाएंगे भाई। सो गाइस ये है पुणे की तुलसी बाग, आप सब देख रहे हैं कैसी है कैसी नहीं है, और भी घुमाता हूँ आपको, चलो मेरे साथ। यहाँ पे प्राइस सच में गाइस बहुत कम मिलेगा आपको, लिटरली बाकी के मार्केट से भी ज़्यादा पुणे के यहाँ पे प्राइस कम मिलेगा, और मैंने अभी सॉफ्टी खाई है इस वजह से डकार आ रहा है मेरे को ठंडा ठंडा। मैं आपको लेके चलता हूँ तुलसी बाग के गणपति मंदिर के पास। सो गाइस ये है तुलसी बाग का गणपति, तो देख सकते हैं क्या ही बॉम्ब दिख रहा है यार, मेरे को बाप्पा को दर्शन करके एक अलग ही वाइब आती है। तो मैंने आपको ये गणपति के ब्लॉग में दिखाया है, तो पास से दिखाता हूँ आपको। सो गाइस चलते अभी यहाँ मार्केट से बाहर अपन अपना चश्मा लेने के लिए। माय गॉड, सो गाइस चश्मा तो हो गया है, मैं आपको अभी यहाँ की वर्ल्ड बेस्ट पाव भाजी खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। बहुत बढ़िया पाव भाजी लगती है गाइस, मैं आपको जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब पाव भाजी की, आपको भी बहुत पसंद आई थी वीडियो, इस वजह से मैं उधर वापस पाव भाजी खाने के लिए जाऊंगा। तो चलते हैं अभी मेरे साथ, और हाँ ये पुणे सीरीज का पहला ही ब्लॉग है तो लाइक करो यार, इतना तो बनता है मेरे लिए। तो चलते हैं यहाँ से, और अगला भी बहुत बढ़िया ब्लॉग आने वाला है BTS का, जो मिस्टर वर्सटाइल का सॉन्ग शूट का है, तो वो देखना मत भूलना यार। सो गाइस ये है जो मैंने पाव भाजी बोली थी, तो वर्ल्ड बेस्ट पाव भाजी मिलती है, और इधर ही हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी आपको दिखाता हूँ हॉट पिज्ज़ा पे, और ये है रास्ता पेट में। तो चलते अभी पाव भाजी खाने के लिए। सो गाइस
बनाओ ज्यादा मत बनाओ थोड़ी बनाओ दो करो भैया चार करो पाव भाजी खा के खत्म हो गई पर दोस्त बोल रहा है कि उसको खाना है हॉट पिज्जा तो चलते हैं उसके साथ ट्राई भी करते हैं अपन तो लास्ट टाइम हमने लिया था बाहुबली पिज्जा और इस टाइम छोटा ही लेंगे भाई सो गाइस बर्गर पिज्जा के ऑर्डर दे दिए अभी पिज्जा आएगा तभी हम खाएंगे सो देखे यहाँ पे पिज्जा बना रहे और यहाँ पे बेक होता है तो जल्दी मिल जाए हमारा पिज्जा फिर खाते हैं यहाँ पे पिज्जा बन रहा है अभी जल्दी से बेक होने के बाद खाएंगे यार मेरे को नहीं मैं नहीं चाहता कि डबल डबल वही वीडियो बनाऊ इसलिए नहीं बना रहा सो गाइस पिज्जा हो चुका है अभी मैं गाड़ी उधर लगाता हूँ फिर खाएंगे मस्त से गाइस पिज्जा तो मेरा खाके हो चुका है तो मैं अभी लूंगा थोड़ा सा यहाँ से पानी और जाते हैं हमारे ड्रोन शॉट्स लेने के लिए पानी रहो पानी बोतल लेना लू क्या ठंडा है क्या दो सो अभी चलते ये खाके जल्दी से यहाँ से तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और मैं घर पे आने के बाद मैं 7-8 बजे घर पे आया हूँगा और घर पे आने के बाद दोस्त के साथ डीमार्ट चला गया इस वजह से मोबाइल घर पे रखा है चार्जिंग के लिए और वीडियो नहीं बना पाया तो आपको वीडियो कैसा लगा ये था पुणे सीरीज का पहला ब्लॉग तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो आपको कौन सा सीन अच्छा लगा वो कमेंट करो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय